हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इस कार्यक्रम में आपका अपना मासिक राशिफल, यानी कि मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल सितंबर 2022 का है। अब क्योंकि राशिफल की बात हम कर ही रहे हैं आपके साथ, तो आपको ये भी बता दें कि ये जो राशिफल है लग्न राशि पर आधारित है, ना कि चंद्र राशि पर आधारित है। और आज जो हम बात करेंगे आपसे, जो तुला लग्न राशि के जातक हैं, यानी कि लिब्रा असेंडेंट बेस जातक, उनके विषय में बात करेंगे। तो प्रिय साथियों, आपको जो हम ये राशिफल की चर्चा अभी करने जा रहे हैं, तो इनके जो अच्छे बुरे रिजल्ट हमारे जीवन में आते हैं हर महीने, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, शुभ भी मिलते हैं, अशुभ भी मिलते हैं, हर तरीके के रिजल्ट्स मिलते हैं, सुख भी मिलते हैं, दुख भी मिलते हैं। तो ये किस आधार पर मिलते हैं? ये ग्रहों की स्थिति के आधार पर मिलते हैं जो उस समय आसमान में होती है, ट्रांजिट में, गोचर में। तो इस सितंबर 2022 में जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है, पहले आइए संक्षेप में उससे आपको थोड़ा अवगत करा देते हैं कि ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। उसी के आधार पर आपको अच्छे बुरे परिणाम प्राप्त होंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे। हालांकि पिछले कुछ महीनों को देखते हुए आज अगर हम बात कर रहे हैं आपसे सितंबर 2022 की, तो ग्रहों की स्थिति में काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। तो हम आशा करते हैं कि रिजल्ट्स भी पहले से अच्छे आपको मिलेंगे। तो आइए पहले चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपके साथ हम ये शेयर कर लेते हैं जानकारी कि भाई ग्रहों की स्थिति ट्रांजिट में सितंबर 2022 में कैसी रहने वाली है। तो आप मेरे पीछे चार्ट देख रहे हैं जो डिस्प्ले हो रहा है, और ये चार्ट जो है वो लिब्रा असेंडेंट बेस जातकों का चार्ट है, यानी कि तुला लग्न राशि के जो जातक हैं। तो जहाँ पर आप सात लिखा हुआ देख रहे हैं, ये फर्स्ट हाउस है, लग्न भाव कहलाता है। यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, और केतु जो हैं तुला राशि में बैठे हुए हैं, क्योंकि सात नंबर का मतलब तुला राशि, तुला राशि के लॉर्ड वीनस यानी कि शुक्र होते हैं, और शुक्र केतु के मित्र हैं। तो केतु कह सकते हैं हम कि भाई अपने मित्र के घर में बैठे हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं, फर्स्ट हाउस में, लग्न भाव में, और ये ऐसे ही बैठे रहेंगे पूरे माह, कोई चेंज नहीं होगा इनकी स्थिति में। आगे बात करेंगे शनिदेव की। शनि जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है वहाँ बैठे हुए देख रहे हैं आप, और ये जो शनि है, 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि, मकर राशि के स्वामी है शनिदेव। तो शनि जो है वो अपनी राशि अपने घर में बैठे हुए हैं फोर्थ हाउस में, ये चतुर्थ भाव है। लेकिन क्या है कि ये उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री स्थिति है इनकी, और पूरे महीने इनकी चाल वक्री रहेगी, और इनकी स्थिति में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होने वाला। पूरे महीने इनकी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी जैसा आप देख रहे हैं। आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति जहाँ पर 12 नंबर लिखा है वहाँ पर बैठे हुए हैं। 12 नंबर का मतलब होता है कि मीन राशि, मीन राशि के लॉर्ड जो हैं स्वयं गुरु बृहस्पति हैं, और ये जो भाव है ये छठा भाव है, सिक्स हाउस, जहाँ पर गुरु बृहस्पति को आप देख रहे हैं। लेकिन गुरु बृहस्पति भी वक्री चाल चल रहे हैं, पूरे महीने ये भी वक्री रहेंगे, टेढ़ी चाल, उल्टी चाल। तो इनकी स्थिति में भी किसी प्रकार का कोई बदलाव होने वाला इस महीने नहीं है। आगे बात करेंगे राहु के विषय में। राहु जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वहाँ आप उनको देख रहे हैं बैठा हुआ। 1 नंबर का मतलब है मेष राशि, मेष राशि के लॉर्ड मंगल ग्रह होते हैं, और राहु के शत्रु हैं मंगल, और मंगल राहु के, एक दूसरे के शत्रु हैं। तो राहु कह सकते हैं हम कि अपने शत्रु के घर में या शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं, और ये सेवंथ हाउस कहलाता है, सप्तम भाव। लेकिन इनकी स्थिति में भी कोई चेंज नहीं होगा, ये भी पूरे महीने ऐसे ही बैठे रहेंगे, यहाँ पर संचार करते रहेंगे। आगे बात करेंगे मंगल की। मंगल जहाँ पर आप 2 लिखा हुआ देख रहे हैं वहाँ पर बैठे हैं उस घर में। 2 का मतलब होता है टॉरस साइन, यानी कि वृषभ राशि, जिसके स्वामी शुक्रदेव हैं। तो मंगल जो हैं ये शुक्र के घर में बैठे हैं अपनी सम राशि में, एर्थ हाउस में, और ये ऐसे ही बैठे रहेंगे मार्गी और उदय अवस्था में। अच्छी पोजिशन है इनकी, मजबूत स्थिति में है, लेकिन अष्टम भाव में है। आगे बात करते हैं सूर्य और शुक्र जहां पर आप देख रहे हैं एक साथ बैठे हुए, जहां पर 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर का मतलब सिंह राशि, और सिंह राशि के लॉर्ड सन यानी कि सूर्य देव होते हैं। तो सूर्य जो है वो अपनी राशि अपने घर में बैठे हैं एकादश भाव यानी 11th हाउस में, अपने शत्रु ग्रह शुक्र के साथ। लेकिन सूर्य जो है 17 सितंबर को अपना राशि का करेंगे परिवर्तन, यहां से निकलेंगे अपनी राशि से, एकादश भाव से, और ये द्वादश भाव में जाएंगे,
अगला नेक्स्ट जो हाउस है जहाँ पर 6 नंबर लिखा है, जहाँ बुध बैठे हुए हैं, वहाँ जाएंगे ये कन्या राशि में 17 तारीख से, और माह के अंत तक वहीं रहेंगे। और वहाँ जाने के बाद इनका संबंध बुध के साथ बनेगा। शुक्र की बात कर लें, शुक्र 24 तारीख तक यहीं पर रहेंगे सिंह राशि में, ये 24 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 24 को यहाँ से निकल करके ये भी वहीं पर जाएंगे कन्या राशि में, जो इनकी नीच की राशि है। हालांकि मित्र राशि है, बुध इनके मित्र हैं, लेकिन ये राशि इनकी नीच की है, शुक्र की। तो यहाँ पर 3 ग्रहों का संबंध बनेगा 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक, सूर्य बुध और शुक्र का द्वादश भाव में कन्या राशि में 12th हाउस में। और बुध जो है प्रिय साथियों 10 सितंबर को ये भी उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, जो कि पूरे महीने इनकी वक्री चाल रहेगी उल्टी। और 17 सितंबर को ये अस्त हो जाएंगे बुध, लेकिन 29 सितंबर को महीने के आखिर में जाकर के ये उदय होंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति रहने वाली है साथियों। अब इसी के आधार पर आपके जीवन में तुला लग्न राशि के जो जातक हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके के परिणाम रिजल्ट्स उनको मिलेंगे, और वो अच्छे बुरे जैसे भी हैं हम उनकी चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। लेकिन अगर अच्छे रिजल्ट्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और कहीं पर अगर हम कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं तो उससे आप परेशान ना हो, चिंतित ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि अंत में हम आपको बहुत सरल और आसान उपाय भी देंगे, उनके करने पर अगर आपने श्रद्धापूर्वक उनको किया तो निश्चित रूप से आपका ये सितंबर 2022 का महीना हर क्षेत्र में बहुत आराम से आपको सुकून से निकल जाएगा। तो आइए सबसे पहले चर्चा आरंभ करेंगे आपके कार्य क्षेत्र को लेकर, यानी कि जो आप अगर कहीं एम्प्लॉई हैं, रोजगार में हैं, या फिर कहीं व्यापार करते हैं अपना खुद का, जो भी आप करते हैं, तो सबसे पहले आपके करियर की प्रोफेशन की बात कर लेते हैं। अब क्योंकि भाई तुला राशि के ऊपर जो है इस समय शनि की ढैया का प्रभाव बना हुआ है तुला राशि के ऊपर, तो अब क्योंकि तुला राशि के ऊपर शनि की ढैया का भी प्रभाव बना हुआ है, तो ये शनि की ढैया के कारण आपको आपके कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याएं थोड़ी ज़्यादा रहेंगी, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों में भी, और एक तरीके से देखा जाए तो छोटे छोटे कार्यों में भी आपको लगेगा कि भाई ये कुछ कार्य तो ज़रा ज़्यादा ही समय ले रहा है, इसमें इतना समय तो लगना नहीं चाहिए था। आप भी ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो ऐसा शनि की ढैया का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर अभी 17 जनवरी तक रहेगा, तो उसका भी प्रभाव ये दिखाई दे रहा है आपके कार्य क्षेत्र पर, दिखाई देगा, रिफ्लेक्ट करेगा। उसी के कारण थोड़ी मानसिक परेशानियां भी आपको रहेंगी। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य करते हैं, हमारा आपको यहां पर यही सुझाव है कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी कार्य जो आप करते हैं पूरे अपनी कंसंट्रेशन के साथ करें, पूरा फोकस अपने काम पर होना चाहिए आपका। दूसरे, कुछ और लोग आपके कार्यों में टांग भी अड़ा सकते हैं, कुछ विघ्न पैदा कर सकते हैं आपके लिए, ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकते हैं, उनसे भी आपको कैसे बचना है, कैसे सावधान रहना है, ये भी आपको इस स्ट्रेटेजी पर भी काम करना पड़ेगा। ये भी स्ट्रेटेजी आपको तैयार करनी होगी साथ साथ कि भाई मैं जो कार्य करूँगा मेरे आसपास जो मेरे और सहयोगी हैं कोई मेरे काम में किसी प्रकार का रोड़ा ना अटकाए। और अगर काम आपका सफ़र करेगा तो निश्चित रूप से आपके सीनियर्स जो हैं वो भी आपसे कहीं ना कहीं नाराज़ होंगे। तो कार्य को पूरा करना है, समय पर करना है, एफिशिएंटली करना है, तो पूरा कार्य पर फोकस रहना चाहिए, और ऐसे लोगों से भी आप थोड़ा सा बच के रहें और बचा के रखें अपने आप को कि जो आपके कार्य में विघ्न डालते हों उनसे भी आप सतर्क रहें। मेरा कहने का भाव ये है। यहाँ आगे हम बात करेंगे आपसे कि भाई आपकी इनकम को लेकर के स्थिति कैसी रहेगी, सुख सुविधाओं का। देखिए सुख सुविधाओं का तो थोड़ा अभाव रहेगा इस महीने, क्योंकि आपका जो ज़्यादा या तो कह सकते हैं कार्य का कुछ बोझ के कारण, कार्य का प्रेशर कुछ अधिक हो, कार्यों को लेकर के आप अपने जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही व्यस्त रहेंगे, तो आपका सारा ध्यान उधर ही रहेगा। और दूसरी बात, जहाँ तक इनकम की बात करें, देखिए इनकम का क्या है, इनकम तो आपको महीने के जो 1 तारीख से लेकर 17 तारीख तक अच्छी इनकम होगी, आय के साधन अच्छे बने रहेंगे, और इनकम तो आपको 24 तारीख तक रहेगी अच्छी, मतलब आय के जो साधन हैं 24 तारीख तक काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो इनकम को लेकर के किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी,
हालात सही रहेंगे और इनकम के साथ सेविंग्स बहुत अच्छी आप कर पाएंगे अगर आपने अच्छी तरीके से प्लानिंग किया तो, पैसा अपना बहुत सही जगह पर इन्वेस्ट कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। तो इसलिए जहाँ तक आर्थिक स्थिति का सवाल है वो आपकी काफ़ी अच्छा आप ढंग से मैनेज कर पाएंगे और स्थिति अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी इस महीने। लेकिन यहाँ पर 24 तारीख के बाद थोड़ा सा देखने वाली बात ये होगी, बल्कि महामध्य से ही कहूँगा मैं तो, महामध्य से और माह के अंत का जो समय होगा 15 दिन लास्ट के, इसमें आपके खर्च की बहुत अत्यधिक, मतलब एक तरीके से तीव्रता के साथ खर्चे बढ़ेंगे, आपके अत्यधिक खर्चे होंगे। तो उन खर्चों पर आपको नियंत्रण कैसे करना है, बस ये चीज़ आप इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा, आपके ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे जो हैं वो ना हो, अगर होंगे तो आपका बजट हिला के रख देंगे। उम्मीद तो ऐसी है, ग्रहों की स्थिति तो यही बोलती है कि आपके खर्चे जो हैं वो आपके कंट्रोल से बाहर रहेंगे, तो उस पर आप नियंत्रण जरूर बना के रखें महीने के 15 दिन लास्ट वाले, 17 सितंबर से लेके कह सकते हैं 30 सितंबर के बीच। अच्छा, आगे बात करते हैं कि भाई प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। देखिए प्रेम संबंधों का जहाँ तक प्रश्न है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेम संबंध पहले से अगर आपके चल रहे हैं तो मिले जुले संबंध रहेंगे, कोई बहुत ज़्यादा ना तो अच्छे रहेंगे ना कोई आपको कोई ऐसा लगेगा कि बहुत प्रोग्रेस हो, ऐसा भी कोई संकेत नहीं है ग्रहों का, नॉर्मल चलते रहेंगे, बिल्कुल एकदम नॉर्मल सामान्य। और बीच बीच में हो सकता है कि कभी कभी थोड़ा सा एक्साइटमेंट आपको अपने रिलेशन में महसूस हो, लेकिन कोई प्रोग्रेस कोई हो और कोई विशेष प्रोग्रेस हो इसकी संभावना मुझे नहीं लगती। जहाँ तक विवाह का योग है तो विवाह का भी कोई योग ऐसा नहीं बन रहा है सितंबर के महीने में कि आप अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो ऐसा कुछ हो। और वैसे भी चलिए ये तो ऐसी बात है, वैसे भी चतुर्मास चल रहा है, देव सो रहे हैं, अगर योग बनता भी तो अभी शादी का विवाह का तो कोई योग है नहीं अभी आजकल नवंबर तक। आगे बात करते हैं जो विवाहित लोग हैं, मैरिड पर्संस, मैरिड कपल्स, उनका कैसा रहेगा। भाई उनके लिए हम कहना चाहते हैं अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है और जीवन साथी के साथ तकरार भी आपकी चलती रहेगी छोटी छोटी बातों को लेके। हालांकि विचार जो हैं वैचारिक तौर पे आप पूरे धार्मिक रहेंगे, धार्मिक विचार रहेंगे आपके तुला लग्न राशि के जातकों के पूरे महीने, तो विचारों का अच्छा आपका एक प्रकार से काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, उसके कारण जो है सोच अच्छी होने के कारण आप चीज़ों को समझेंगे बेहतर तरीके से और आपको कोशिश करनी, बीच बीच में हो सकता है कि माइंड कभी कभी आपका कुछ थोड़ा सा इधर उधर हो जाए डिस्टर्ब और उसकी वजह से कुछ मुंह से निकल जाए आपके कोई ऐसा शब्द या कुछ जिसकी वजह से घर में तनाव हो जाए, तो उससे थोड़ा बचिएगा। आगे बात करेंगे पारिवारिक संबंध, पारिवारिक संबंध इस महीने सितंबर के पूरे महीने बहुत ही अच्छे पारिवारिक संबंध रहेंगे साथियों, परिवार का भरपूर सहयोग आप प्राप्त कर रहे हैं तुला लग्न राशि के जातक, आप भी अपनी परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं बखूबी उनको फुलफिल करने की कोशिश आपकी बनी रहेगी पूरी सिंसियरिटी के साथ, ईमानदार ऑनेस्टी के साथ, तो परिवार के लिए आप पूरा कमिटेड रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे और परिवार के सदस्य भी आपके साथ, तो आप पूरा एंजॉय करेंगे परिवार की जो लोग हैं उनकी जो कंपनी है इस महीने। शिक्षा की बात कर लेते हैं छात्रों को लेके, मिले जुले रिजल्ट मिलेंगे छात्रों को विशेष रूप से 17 सितंबर तक, 1 सितंबर से लेके मिले जुले परिणाम की प्राप्ति होगी और 17 से 24 तक कुछ अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद है और 24 के बाद सामान्य रिजल्ट्स, तो इस प्रकार के परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं छात्र उनको अपनी एजुकेशन से रिलेटेड जाना पड़ सकता है, कहीं अगर विदेश वगैरह जाना चाहते हैं तो वहाँ पर पढ़ाई पूरी करने के लिए या एडमिशन लेना है या आगे की कोई हायर स्टडी और भी आगे कुछ करना है तो उसके लिए योग बनेगा उनका और ये योग बनेगा महामध्य से, तो ये आप जा सकते हैं। आगे बात करेंगे हम संतान की, संतान की ओर से भी माता पिता को कोई बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट्स मिले इस महीने इसकी संभावना तो बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन हाँ फिर भी हम ये कहेंगे कि माह के आरंभ से और माह के मध्य तक संबंध जो हैं, मतलब संतान की ओर से जो भी आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं वो सामान्य से मध्यम के बीच में मिलते रहेंगे,
और उसके बाद सामान्य रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं अंत में स्वास्थ्य की, कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए स्वास्थ्य आपका मुझे सब कुछ फिर भी काफ़ी ठीक है, लेकिन ग्रहों के आधार पर मैं ये बात कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य को लेकर के मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। ऐसा कुछ घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य आपका नरम रहेगा और विशेष रूप से पेट से संबंधित रोग आपको ज़्यादा परेशान करेंगे। तो प्रिय साथियों, स्वास्थ्य को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत कॉशियस रहिएगा, अब केयरलेस ना हो, लापरवाह ना बने अपनी हेल्थ को लेकर। अपना जो रूटीन है वो बिल्कुल परफेक्ट रखें, खान पीन का ध्यान रखें, समय पर खाएं पिएं, सोएं, आराम पूरा करें, जो भी चीज़ की ज़रूरत है शरीर को उसके हिसाब से, और अपना समय समय पर चेकअप भी कराएं। अब ये तो बात रही आपके मंथली राशिफल की, अब आपको वो छोटे और सरल उपाय आपको बताएंगे कि वो कौन से उपाय हैं जिनके करने पर आपको शारीरिक लाभ भी मिलेगा। सबसे पहला तो ये है कि गुरु बृहस्पति की पूजा जरूर करें आप, केले के वृक्ष के तौर पे, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूसरा, मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं, बूंदी का या मोतीचूर के लड्डुओं का, और हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर करें, तो आपकी काफ़ी समस्याएं सॉल्व होंगी। और सूर्य देव को जल जरूर दें स्नान करने के बाद। बस इतने छोटे छोटे से ये दो तीन उपाय करें, बाकी सब आपके लिए, ये आपने किया तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप तुला लग्न राशि के जो जातक हैं उनका मंथली राशिफल सितंबर 2022 का। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे जो वीडियोज़ हैं आने वाले टाइम में जो बनने हैं, जो शूट होने, वो भी समय रहते आप तक पहुंच जाए, उनकी नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचे, तो फिर आप जो ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको जरूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।